हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर एजुकेशन एंड इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम मिशन शक्ति के तहत भारत ने एक मिसाइल का लॉन्च किया है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है रंजन साहू और एक्सप्लोर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कि ये क्या हुआ कि हमारे जो भारत सरकार ने है, हमारे जो DRDO है यानी कि जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक जो एंटी सैटेलाइट वेपन का लॉन्च किया है और वो एक मिसाइल है और वो एक बैलिस्टिक जो सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये एक लाइव सैटेलाइट को भेजा है। लाइव सैटेलाइट वो होता है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो जो सारे जो इंफॉर्मेशन को धरती को प्रोवाइड करता है। तो इस समय ये जो ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और ये मिसाइल वो DRDO ने भेजा था और इसका जो टेस्ट फायर किया था और ये जो DRDO का टेस्ट फायर के बाद ये जो जाके वही जो सैटेलाइट था उसको भेजा है और हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जो बुधवार के यानी कि जो 27 मार्च को क्या हुआ कि भारत ने ये 27 मार्च को ये टेस्ट किया है और ये जो टेस्ट किया है, इस टेस्ट के करने के बाद भारत दुनिया में ऐसा चौथा देश बन गया है। ये जो पहले से जो तीन कंट्रीज थे जैसे कि वो अमेरिका, रसिया और चाइना, और ये तीनों ने भी पहले से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट फायर कर चुके थे और उसमें सक्सेस भी हो चुके थे। लेकिन अब भारत दुनिया में ऐसा चौथा देश है जो इसमें सक्सेस हुआ है और इसके बाद ये जो उस एलिट यानी कि उस जो शक्तिशाली देश के लिस्ट में शामिल हो गया है, ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो एड्रेस किया है और इसके बारे में हमारे देशवासियों को बताया है और उसने वो कहा है कि किसी भी दूसरे कंट्री को जैसे चाइना, पाकिस्तान और भी जो कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज एजेंसी है और कुछ कंट्रीज है, उनको जो व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि भारत अपने इसके लिए और अपने ही देश की सुरक्षा के लिए इसे बना रहे, ना कि किसी के ऊपर खेपने के लिए और किसी जो कंट्री के जो सैटेलाइट को ध्वस्त करने के लिए। तो देखते हैं, थोड़ा आते हैं और डिटेल से डिस्कशन करते हैं। और ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भेजा गया है जो लाइव सैटेलाइट को भेजने के लिए, यानी कि वो जो कृत्रिम उपग्रह, जो जीवंत कृत्रिम उपग्रह था उसको जो भेजने के लिए, ये इस सैटेलाइट का नाम है मिशन शक्ति। और इस मिशन शक्ति के तहत ये सैटेलाइट को मिसाइल को भेजा गया था वो सैटेलाइट को भेजने के लिए। और ये आपको इमेज दिख रहा है, सोचिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि सोचिए कि यहाँ एक जो ये है वो लाइव सैटेलाइट और ये जो धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है और ये जो मिसाइल है, ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और इसको इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि सैटेलाइट को ध्वंस करने के लिए इसको यहाँ से भेजा जाता है। और इसको भेजे जाने के बाद ये वो सैटेलाइट को भेजा है और ये सैटेलाइट टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो कम्प्लीटली पूरा नष्ट हो चुके हैं और वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये जो सैटेलाइट था उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि जो अंडर मिशन शक्ति DRDO टेस्टेड एंटी सैटेलाइट मिसाइल व्हिच हिट ए लाइव सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 300 किलोमीटर। यानी कि ये जो मिशन शक्ति, ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम है मिशन शक्ति और इसको DRDO ने भेजा है। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये भारत का एक डिफेंस रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका। और ये जो ASAT होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल और इसको ये एक लाइव सैटेलाइट को भेजा है। और ये जो सैटेलाइट आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक लाइव सैटेलाइट था। ये यहाँ एक जो अनुरूप एक चित्र दिया गया है कि जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, यानी कि धरती के चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट्स कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं। वैसे कि धरती का सिर्फ एक ही नेचुरल जो सैटेलाइट है वो है चंद्रमा और उसके बाद वो बहुत सारे जो कृत्रिम उपग्रह घूम रहे हैं और वो कुछ जो ऊपर घूम रहे हैं जो हाई अर्थ ऑर्बिट में जो ऊपर के हिस्सों में है और कुछ अर्थ के जो लोअर हिस्से में घूम रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट ही है, ये जो सैटेलाइट को इस मिसाइल ने ध्वस्त किया है और ये धरती के लोअर ऑर्बिट में घूम रहा था। और ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये लगभग जो नियरली धरती के पास होता है और ऐसे में ये जो ASAT सैटेलाइट मिसाइल ने इस जो सैटेलाइट को ध्वस्त
क्या है, ये धरती से लगभग 300 किलोमीटर, यानी कि अगर ये धरती हो यहाँ से ये 300 किलोमीटर की दूरी से ये जो सैटेलाइट को भेजा है। तो ए सेट सैटेलाइट क्या है, ए सेट सैटेलाइट इज ए मॉडिफाइड इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमारे जो देश में जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको शॉर्ट फॉर्म में BMD बोला जाता है, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो होता है जो कुछ जो 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 मिसाइल धरती से आसमान में भेजा जाता है, यानी कि अगर आसमान में किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, यानी कि जो सरफेस टू एयर, और ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बोला जाता है, और ये एक इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर का मतलब होता है किसी को भेदना, यानी कि किसी के ऊपर आक्रमण करना। तो ये 10 मिशन वाज कंप्लीटेड इन 3 मिनट्स, और सबसे जो हमारे लिए सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो मिशन का कंप्लीट किया गया ये सिर्फ 3 मिनट से ही अपने टारगेट को भेदा है, यानी कि अपने टारगेट को छुआ है, और जो सैटेलाइट को ध्वस्त कर दिया है वो सिर्फ ओनली 3 मिनट्स। तो द लो अर्थ ऑर्बिट वाज चूजन टू मिनिमाइज डेब्रिज, यानी कि जो लोअर, यानी कि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जो धरती के जो हमारे जो एटमोसफियर यानी कि वायुमंडल के जो निचले हिस्से के जो ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि जो घूमने की जो जगह होते हैं उसको ये क्यों चुना कि जो और इसको हाई अर्थ ऑर्बिट क्यों नहीं चुना, तो इसलिए कि अगर वो जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जब वो लाइव सैटेलाइट को भेजा होगा तब वो बहुत सारे टुकड़े में बिखर जाएगा, और वो टुकड़े जैसे कि हमारे जो धरती के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, और बहुत सारे और भी हमारे जैसे सैटेलाइट और उपग्रह होते हैं, जिसको अगर ये टुकड़े उसके साथ धक्का खाए और कुछ अगर एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो भी सारे जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट से उनको ये क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो इसमें ये लो अर्थ ऑर्बिट को चुना गया है, क्योंकि अगर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको जो निक्षेप किया जाए और तो ऐसे में वो उसका सारा जो मलबा यानी कि जो अवशेष ज़्यादा नहीं होगा, और वो सारे जो लो अर्थ ऑर्बिट में जैसे कि हमारे अर्थ का एटमोसफियर होता है, अगर ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसको जो उसको भेजा जाए यानी कि वो सैटेलाइट को, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर वो टुकड़े में बिखर जाए तो सिर्फ वो धरती की ओर आएगा और धरती के हमारे जो वायुमंडल में एंट्री करेगा, तो ऐसे में अगर उसका जो धरती के जो एयर है उसके साथ उसके टक्कर होने के बाद वो सारे जो ऑब्सेस यानी कि जो मलबा होगा वो जल जाएगा। तो ऐसे में अगर वो हाई अर्थ ऑर्बिट में होगा जहाँ वो एयर तो वैसे नहीं है, और इसलिए वहाँ उसका किसी के वहाँ वो नहीं जलता और वो जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत दिन तक पड़े ही रहता है। तो ऐसे में वो इसलिए वो लोअर थॉर्बिट को चुना गया है। एंड ये कहता है कि ओनली 3 अदर्स कंट्रीज US, रसिया एंड चाइना हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस कैपेसिटी, यानी कि दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे है जिनके पास ये कैपेसिटी है, और वो है US, रसिया एंड चाइना, उसके बाद भारत ने ऐसा चौथा देश बन गया है। एंड द टेस्ट वॉज कंडक्टेड अराउंड 11 AM फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स एयरलियर लोनाज हुइलर आइलैंड इन ओडिशा। और ये जो सैटेलाइट को जो टेस्ट किया गया है ये ओडिशा से किया गया है, और ओडिशा का जो बालेश्वर उसको इंग्लिश में बालासोर बोलते हैं, वहाँ का एक जो हुइलर आइलैंड है, और इसको अभी जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के रूप में जाना जाता है, और इसको पहले हुइलर आइलैंड से जाना जाता था, इसमें से ये इसको टेस्ट फायर किया गया है इस सैटेलाइट को, कि भारत ने अभी इसमें सक्सेस हो गया है और दुनिया में ऐसा चौथा देश बन गया है। एंड ए शॉर्ट व्हाइल बैक आवर साइंटिस्ट हैव शॉट डाउन ए लाइव सैटेलाइट, और ये जो सैटेलाइट था ये एक लाइव सैटेलाइट था, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में धरती से 300 किलोमीटर दूर में था, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने इसको एड्रेस किया है और देशवासियों को इसके बारे में बताया है। एंड द सैटेलाइट डाउन बाय द ASAT मिसाइल वॉज माइक्रोसैट आर, यानी कि ये जो भी जो लाइव सैटेलाइट यानी कि जो भी उपग्रह के इसने भेजा है उसका ये एक माइक्रोसैट आर सैटेलाइट है। और ये जो माइक्रोसैट आर सैटेलाइट क्या होता है, वो सैटेलाइट जो धरती को धरती के ऊपर रिसर्च करके अपने इमेज को धरती को भेजता है, और ये एक इमेजिंग सैटेलाइट था, और ये जो इमेजिंग सैटेलाइट वो इसको जनवरी 24, 2019 यानी कि इस साल जो जनवरी 14 में उसको एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से भेजा गया था। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो होता है जिसमें एक जो सैटेलाइट को धरती से उसके ऑर्बिट तक पहुँचा जाता है और उसको भेजा जाता है। एंड ये एक डिफेंस रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, और ये था। और
इंडिया हैज बिल्ट द ब्रॉड कैपेबिलिटीज एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स टू डेवलप एसैट मिसाइल्स, यानी कि जो भारत ने अपने कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया है जो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बनाने के लिए, एंड फॉर सम टाइम एज पार्ट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। एंड ये जो बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम के तहत ये हो रहा है, एंड इसने भारत ने भी BMD सिस्टम का डेवलप कर रहा है। और मिस्टर मोदी सेड द एम ऑफ द टेस्ट मैच मेंटेन पीस रेदर देन वार ऑनगोइंग, यानी कि जो हमारे मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का ये कहना है ये इस सैटेलाइट को भेजा है शांति बजाय रखने के लिए, न कि किसको डराने धमकाने के लिए। एंड ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल सक्सेसफुली एंगेज्ड एन इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट इन ए हीट टू किल मोड, एंड द DRDO सेड अ स्टेटमेंट। ये एक हीट टू किल मोड में भेजा गया था, एंड DRDO ऑफिशियल क्लेम्ड दैट ASAT मिसाइल वॉच ए मॉडिफाइड एक्सो एटमोस्फियर इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ द BMD ALEO, यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 300 किलोमीटर वॉच चूजन टू मिनिमाइज डेब्रिज, यानी कि इसका जो ऑफसेस को कम करने के लिए ये सिर्फ 300 किलोमीटर का ही जो चयन किया था। और ये जो एक्जो एटमोस्फियर इंटरसेप्टर मिसाइल था, यानी कि जो एटमोस्फियर के बाहर भी जा सकता है। और यहाँ ये बोला जा रहा है कि उसका जो सारे जो ऑब्सेस यानी कि जो मलबा है वो सारे जो जो 45 डेज के अंदर ही बिखर जाएंगे, और अभी वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कुछ ही मंथ में उसके वो सारे जो ऑब्सेस है वो बिखर के नष्ट हो जाएंगे। एंड एंटी सैटेलाइट वेपन्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन एनिमी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट देयर बाय डिसरप्टिंग क्रिटिकल कम्युनिकेशंस। एंड ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स है ये जो सारे उसके कैपेबिलिटीज ये है कि वो किसी भी अगर शत्रु देश के कोई भी जो सैटेलाइट हो यानी कि उपग्रह हो उसके अगर वो कुछ भी डाटा कलेक्ट करता है उसको वो टारगेट करने के लिए सक्षम है, एंड वो उसके कम्युनिकेशन को भी डिसरप्ट कर सकता है, ये उनका कहना है। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो हमारे जो विदेश मंत्रालय ने है वो ये कहा है कि ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया गया है ये किसी जो दूसरे कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए नहीं है और किसी और को डराने धमकाने के लिए नहीं है, ये हमारे जो देश के हित के लिए किया गया है। एंड इंडिया हैज अश्योर्ड द वर्ल्ड दैट इट डिड नॉट वायलेट इन इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी कि भारत ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एंड अंडरस्टैंडिंग विथ एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थेट दैट द टेस्ट वॉच नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी कंट्री, यानी कि किसी अदर कंट्री के लिए ये जो इसका टेस्ट का नहीं किया गया है। और अभी अभी जो रिसेंटली ये न्यूज़ आया है कि वो जो टेस्ट किया गया था वो जो लाइव सैटेलाइट था वो 270 हिस्सों में बढ़ गया था, यानी कि वो 270 टुकड़ों में बढ़ गया था। और उसके बाद ये जो अमेरिका ने ये जो अमेरिका का ये रिपोर्ट दिया है कि ये जो 270 हिस्सों में बढ़ गया है ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो इसलिए उसके बहुत सारे जो टुकड़े हैं वो सिर्फ 45 डेज में ही बिखर जाएंगे और ध्वंस हो जाएंगे। तो आज के लिए बस उतना था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस टू मेक बेटर वीडियोज़। थैंक यू।